आवर नेक्स्ट टॉपिक हीट इंजन. हीट इंजन हम लोग कहां यूज करते हैं? कार का जो इंजन है, बाइक का जो इंजन है, दैट इज हीट इंजन. तो वो हीट इंजन कैसे काम करता है? तो व्हाट वी हैव इज दिस इज अ डायग्राम, छोटा एक सिंपल डायग्राम ले रहे हैं हम लोग. किसका? हीट इंजन का. मान लो आपका कार का हीट इंजन हो गया, बाइक का हीट इंजन हो गया, तो कैसे वर्क करता है? तो यहां पे इस साइड से हम लोग का इनलेट है और राइट साइड में हम लोग का आउटलेट है. तो इनलेट आउटलेट मतलब क्या? तो सपोज यहां पे क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा एक सिलिंड्रिकल कंटेनर रहेगा. सिलिंड्रिकल कंटेनर, इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में लेफ्ट साइड में हम लोग एक इनलेट बनाएंगे और राइट साइड में हम लोग एक आउटलेट बनाएंगे. इनलेट साइड से पेट्रोल अंदर आएगा, पेट्रोल का जो वेपर्स है वो अंदर आएगा, और आउटलेट साइड से धुआं बाहर निकलेगा. और नीचे हमारे पास एक पिस्टन होगा जो कि ऊपर नीचे हो सकता है. ये सिलेंडर काफी लंबा है, दिस सिलेंडर इज लॉन्ग. इसमें एक पिस्टन है जो कि ऊपर नीचे हो सकता है और ऊपर से ये सिलेंडर बंद है. तो व्हाट वी हैव इज एक साइड से वी हैव इनलेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड वी हैव आउटलेट एंड इन बिटवीन वी हैव अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विच इज क्वाइट लॉन्ग. क्या होगा? इनलेट से हम लोग का पेट्रोल अंदर आएगा, पेट्रोल का जो वेपर्स है वो अंदर आएगा, और उसमें हमारे पास कार इंजन में हम लोग के पास स्पार्किंग मैकेनिज्म होता है, स्पार्क होगा. तो जैसे ही स्पार्क होगा वैसे ही गाड़ी हम लोग जब चालू करते हैं तो स्पार्क होगा और उस स्पार्किंग से वो पेट्रोल जलने लगेगा, पेट्रोल में एक आग लग जाएगा. और पेट्रोल में जब आग लगेगा, जब पेट्रोल जलेगा, तो उस टाइम पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल वेपर्स विल इंक्रीज. एंड उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहां पे जो पिस्टन है, दिस पिस्टन, ये देखो ये जो पिस्टन है यहां पे, ये पिस्टन नीचे जाएगा. पिस्टन नीचे क्यों जाएगा? बिकॉज देयर इज सडन एक्सपांशन ऑफ गैस एज सून एज द पेट्रोल वेपर्स बर्न ड्यू टू द स्पार्किंग. द What happens is the volume of the petrol vapors increases highly, suddenly. Due to that, there is a force on the piston in downward direction. इसीलिए पिस्टन नीचे आएगा. जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो we have a crank mechanism. यहां पर हमारे पास ये क्या है? Crank है. तो ऐसा crank mechanism की वजह से ये जो यहां पर ये rod है, ये torque लगाएगा. This rod will apply a torque on the टायर, नीचे जो टायर से कनेक्टेड है उस पे वो टॉर्क लगाएगा. और टॉर्क लगने के कारण देयर विल बी रोटेशनल मोशन ऑफ द टायर. टायर क्या होगा? रोटेट होना चालू होगा. तो जैसे ही टायर घूमेगा तो गाड़ी आगे चलना चालू कर देगा. एंड दैट इज व्हाट इज द वर्क, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो, या वर्क डब्ल्यू मान लो, एक ही बात है. हम लोग जो वर्क चाह रहे थे वो हो गया, वर्क इज डब्ल्यू, और गाड़ी को टायर का एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया. So let me explain once again. ये पेट्रोल का इंजन है हमारे पास, हीट इंजन. यहां से पेट्रोल से इनलेट आएगा, इनलेट साइड से पेट्रोल आएगा, पेट्रोल के वेपर्स अंदर आए, एंड बाय द स्पार्किंग मैकेनिज्म वी हैव स्पार्क इन दिस पेट्रोल कंटेनर, एंड द पेट्रोल वेपर्स अपॉन स्पार्किंग दे बर्न, एंड ड्यू टू दैट बर्निंग द पेट्रोल वेपर्स वॉल्यूम इंक्रीजेस सडनली, एंड दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम क्रिएट्स अ ह्यूज प्रेशर इन द इंजिन, एंड देर इज अ बिग फोर्स ऑन द पिस्टन. ड्यू टू दैट फोर्स ऑन द पिस्टन देर इज अ नेट टॉर्क ऑन द क्रैंक विच इज एक्टिंग ऑन द टायर, एंड द टायर मूव्स विद अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड हेंस वर्क इज डन. अब जो ये पेट्रोल का वेपर्स है जलने के बाद कहां जाएगा? तो जलने के बाद ये आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे. पीछे गाड़ी के पीछे से हम लोग का वो साइलेंसर रहता है, साइलेंसर से क्या होगा? धुआं बाहर निकल जाएगा. तो इनलेट से वेपर्स अंदर आएगा, आउटलेट से धुआं बाहर जाएगा. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हीट इंजन. अब इसी डायग्राम को हम लोग एक अलग फॉर्म में दिखाते हैं, इन बॉक्स फॉर्म. तो ये जो हम लोग के पास है ये इनलेट, इसका टेम्परेचर कैसा होगा? हाई. इनलेट विल हैव हाई टेम्परेचर बिकॉज वहां पे पेट्रोल जलने वाला है. तो इनलेट के पास हाई टेम्परेचर है. हाई टेम्परेचर को मैंने क्या बोला? T1.
T1 बोलो या TH बोलो, इट डजंट मैटर. T1 इज व्हाट? हायर टेम्परेचर. T1 इज व्हाट? हायर टेम्परेचर. और T2 कौन सा टेम्परेचर है? T2 पीछे साइलेंसर का टेम्परेचर, पीछे गाड़ी के पीछे से जो धुआं निकलता है वहां का टेम्परेचर क्या माना मैंने? T2. वो उतना ज्यादा नहीं होगा वहां पे टेम्परेचर. पीछे टेम्परेचर कैसा होगा? लो. तो T2 इज द लोअर टेम्परेचर. एंड वर्क कितना होगा? हाउ मच इज द वर्क डन? वर्क डन इज W. जब गाड़ी का टायर घूमेगा तो हम लोग का वर्क होगा, एंड दैट वर्क इज व्हाट? W. नाउ जब ये पेट्रोल जलता है तो कितना हीट देता है? व्हेन द पेट्रोल बर्न्स हाउ मच हीट इज कमिंग आउट? लेट अस सी द हीट कमिंग आउट इज Q1 फ्रॉम द हीट सोर्स. हीट सोर्स मतलब पेट्रोल. हीट सोर्स मतलब पेट्रोल. तो Q1 हीट सोर्स है, Q1 हीट सप्लाई हुआ. अब ये हीट कहां पे यूज हो रहा है? मेनली द हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क W. ये पेट्रोल का यूज कहां हो रहा है? पेट्रोल का गर्मी कहां जा रहा है? पेट्रोल का एनर्जी कहां जा रहा है? गाड़ी चलाने में. गाड़ी चलाना मतलब क्या? वर्क डन W, विच इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टायर. एंड एक्स्ट्रा हीट, जो फुकट वेस्ट वाला हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट, पेट्रोल ज्यादा हीट दे रहा है, गाड़ी कम वर्क कर रहा है, उतना वर्क नहीं करेगा. वी नो दिस लॉ. इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1. 100% ऑफ द हीट कैनॉट बी कन्वर्टेड इन टू वर्क. देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी. कुछ ना कुछ लॉस होगा. तो ये जो लॉस ऑफ इन एनर्जी है वो कितना है? Q2. द हीट लॉस्ट इज Q2. तो हीट सप्लाइड Q1 इज यूज्ड फॉर डूइंग वर्क W, एंड Q2 इज द एक्स्ट्रा हीट विच इज लॉस्ट. तो ये Q2 हीट हमेशा ही लॉस कुछ ना कुछ होगा. अगर तुम सोच रहे हो कि किसी तरह से हम लोग ये हीट लॉस ना करें, तो हम लोग पीछे साइलेंसर में जो धुआं है, साइलेंसर में अगर हम लोग कुछ डाल देंगे, अगर साइलेंसर में ये मान लो मार्कर घुसा दिया, कचरा घुसा दिया, अगर साइलेंसर में हम लोग ने हीट लॉस न हो इसलिए कुछ ब्लॉकेज कर दिया, तो गाड़ी चलना ही बंद हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगा. अगर ये बहुत सारे पिक्चर में देखा भी होगा, अभी सलमान खान का पिक्चर आया था, उसमें वैसा ही होता है. वो छोटे सलमान खान के साथ एक छोटी बच्ची रहती है पाकिस्तान की, वो गाड़ी के साइलेंसर के पीछे ऐसा वो कचरा घुसा देती है, तो उससे गाड़ी बंद हो जाता है. फिर वापस, फिर बाद में थोड़ी देर बाद सलमान खान वो कचरा हटा के गाड़ी चालू कर देता है. बट व्हाट इज द मेन थिंग हियर? द मेन थिंग हियर इज वी हैव टू ऑलवेज हैव सम लॉस इन हीट. कुछ ना हीट, कुछ हीट लॉस होगा ही. अगर लॉस नहीं होगा, तुम लॉस बचाने का कोशिश करोगे कि हीट लॉस न हो, पीछे साइलेंसर में कचरा डाल के या साइलेंसर बंद करके, तो व्हाट विल हैपन इज द इंजन इटसेल्फ विल स्टॉप वर्किंग. इंजन वर्क नहीं करेगा. इसीलिए तो हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, 100% ऑफ द हीट कैनॉट बी कन्वर्टेड इन टू वर्क. देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम लॉस ऑफ हीट थ्रू द सिंक, एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज लोअर. लेट अस से T2 हमारे गाड़ी के केस में क्या होगा? T2 विल बी द सराउंडिंग टेम्परेचर. जो हमारा एटमोस्फियर का टेम्परेचर है वही तो सराउंडिंग टेम्परेचर T2 होगा. और गाड़ी के वेपर्स का अंदर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस जो भी होगा, दैट विल बी T1, एंड T2 विल बी अवर रूम टेम्परेचर, द सराउंडिंग टेम्परेचर, एंड वर्क डन विल बी W. सो इफ यू सी केयरफुली, Q1 द हीट सप्लाइड बाय द इंजन इज यूज्ड इन डूइंग वर्क W, एंड द एक्स्ट्रा हीट इज वेस्टेड एज Q2 थ्रू द सिंक. तो ये इक्वेशन तो मैथमेटिकली करेक्ट है. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द इक्वेशन फॉर वर्क डन, विच इज Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाइड Q1 माइनस हीट रिजेक्टेड Q2. तो ये वर्क का एक्सप्रेशन आ गया. अब एफिशिएंसी ऑफ इंजन, तो एफिशिएंसी मैंने बहुत बार एग्जांपल लिया है. एफिशिएंसी इज वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाई. अगर मैं एक वड़ा पाव खा के एक घंटा काम कर सकता हूं और तुम एक वड़ा पाव खा के दो घंटा काम कर सकते हो, तो किसका इंजन ज्यादा एफिशिएंट है? तुम्हारा. जो ज्यादा वर्क कर सके उसका इंजन ज्यादा एफिशिएंट है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट Q1. सो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाई. एंड वर्क डन अभी मैंने प्रूव किया, दिस इज कमिंग टू बी Q1 माइनस Q2. तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 विच बिकम्स मैथमेटिकली Q1 अपॉन Q1 हो जाएगा 1, माइनस Q2 अपॉन Q1 रिमेन्स एज इट इज. नाउ यूजिंग डेल्टा क्यू इज एमसी डेल्टा टी, वी गेट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो व्हाट वी कैन से इज एफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 माइनस Q2 बाय Q1 कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 बाय T1, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. Q2 बींग द लोअर हीट एंड Q1 बींग द हायर हीट. T2 बींग द लोअर टेम्परेचर, T1 बींग द हायर टेम्परेचर.
हाई टेम्परेचर हमारा पेट्रोल के वेपर्स का टेम्परेचर 500-700 डिग्री सेल्सियस होगा और T2 विल बी द सराउंडिंग टेम्परेचर 30-40 जिस कंट्री में तुम गाड़ी चला रहे हो जिस रीजन में गाड़ी चला रहे हो उस हिसाब से सराउंडिंग टेम्परेचर T2 देन एफिशिएंसी एज वी नो इज लेस देन 1 ये हम लोग का हीट इंजन समझ में आया रहेगा होपफुली सो दिस इज अबाउट द हीट इंजन अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो स्टडी करते हैं दैट इज रिवर्स हीट इंजन रिवर्स हीट इंजन क्या होता है तो उल्टा काम करने वाला जो हीट इंजन में हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग ने पेट्रोल डाला हीट दिया और हीट देने से हमें क्या मिला वर्क मिला मतलब गाड़ी चल गया हम लोग ने पेट्रोल का वेपर्स दिया और हमें मिला वर्क हम लोग ने पेट्रोल का वेपर्स दिया हीट दिया और हमें मिला वर्क अब इसमें उल्टा है रिवर्स हीट इंजन में हम लोग वर्क करेंगे और हमें क्या मिलेगा तो हमें हीट मिलेगा नहीं हीट हम लोग खींचेंगे कहीं से तो अभी कोई सोचेगा कि हीट मिलने से फायदा है हीट खींचने से क्या फायदा है हीट खींचने से तो बहुत सारा फायदा है ही अभी जैसे मुझे पसीना आ रहा है अगर मान लो इस रूम में एसी लगा होता तो हम लोग क्या बेटर फील करते तो दैट इज व्हाट रिवर्स हीट इंजन हीट खींचने वाला एसी क्या है एसी इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स हीट इंजन वो हीट देता नहीं है वो हीट खींच के लेता है किसी भी सब्सटेंस से हीट खींच के लेगा अगर एग्जांपल फ्रिज माने हम लोग का जो रेफ्रिजरेटर है दैट इज ऑल्सो अ रिवर्स हीट इंजन वो क्या करेगा हीट खींचेगा और बाहर फेंकेगा अगर तुमने किसी के घर पे फ्रिज देखा है एसी देखा है तुम लोग के घर पे भी रहेगा ही तो इन दैट केस क्या होता है फ्रिज के पीछे गर्म रहता है और फ्रिज का अंदर क्या होता है ठंडा फ्रिज अंदर की चीजों को ठंडा करता है और पीछे से हीट छोड़ देता है तो दैट इज रिवर्स हीट इंजन देखो उसने क्या किया हीट सिंक ये हमारा खाना है फ्रिज में मान ले तुमने आइसक्रीम रखा हुआ है फ्रिज में अगर तुमने क्या रखा है आइसक्रीम तो आइसक्रीम अगर तुमने जमाने के लिए रखा है तो आइसक्रीम पाउडर और दूध मिक्स किया है उसमें तो क्या होगा आइसक्रीम पाउडर और दूध वो जल्दी से आइसक्रीम नहीं बनेगा क्या होगा पहले वो आइसक्रीम पाउडर और दूध लिक्विड फॉर्म में उसमें से हीट खींचेगा कौन रिवर्स हीट इंजन मतलब रेफ्रिजरेटर और वो हीट खींचेगा कैसे कंप्रेसर से पीछे अगर तुमने देखा रहेगा फ्रिज के पीछे कंप्रेसर रहता है एसी का तो खुद का एक अपना कंप्रेसर रहता है स्प्लिट एसी रहेगा तो दो पार्ट रहते हैं वन इज द कंप्रेसर एंड वन इज द स्प्लिट एसी तो कंप्रेसर का काम क्या है कंप्रेसर वर्क करता है कंप्रेसर कंप्रेस करता है नाम से ही समझ में आ रहा है कंप्रेसर का काम क्या होगा कंप्रेस करना सो दिस इज द कंप्रेसर कंप्रेसर का काम क्या है कंप्रेस करना अब उसने गैस को कंप्रेस किया गैस को क्या किया कंप्रेस किया तो कंप्रेसर ने वर्क किया अब कंप्रेसर वर्क किया और उस सब्सटेंस में से हीट खींचा जो आइसक्रीम का हम लोग का दूध और आइसक्रीम का लिक्विड है दूध और पाउडर आइसक्रीम पाउडर का तो वहां से उसने हीट खींचा और उस पर उसने कंप्रेशन वर्क किया कंप्रेशन वर्क करके हम लोग को हीट पीछे से वो निकाल देगा वो जो दूध पाउडर दूध और आइसक्रीम का पाउडर है उसमें से वो हीट निकालेगा और हीट निकाल के वो पीछे से हीट छोड़ देगा अब पीछे से हीट छोड़ा लेकिन उसके कारण क्या हुआ आइसक्रीम पाउडर का आइसक्रीम मिल्क एंड आइसक्रीम पाउडर का टेम्परेचर कम हो जाएगा अब देखो कैसे होगा तो ये थोड़ा समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुमने बचपन में ऐसा टायर बाइक का टायर गाड़ी का टायर उसमें से कभी हवा निकाला रहेगा तो उसमें क्या होता है जब हम लोग बाइक का टायर लेते हैं और उसमें कुछ अगर लकड़ी या कुछ भी टाचनी डाल के अगर हवा निकालते हैं तो वो जो हवा रहता है वो ठंडा रहता है वो हवा कैसा रहता है ठंडा बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इनसाइड द टायर दैट एयर इज कॉम्प्रेस्ड है टायर के अंदर वो हवा कैसा है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में और जैसे ही हम लोग ने उसमें टाचनी डाला या जैसे ही हम लोग ने कुछ ऐसा किल्ला डाला तो वैसे ही वो हवा अचानक से एक्सपांड होता है द कंप्रेस्ड एयर इन द टायर सडनली एक्सपांड्स व्हेन इट कम्स इन द एटमॉस्फेयर एंड सडन एक्सपांशन ऑफ एयर हैज कूलिंग इफेक्ट सडन एक्सपांशन ऑफ एयर हैज कूलिंग इफेक्ट तो कूलिंग इफेक्ट होगा उसके कारण तो उसके कारण ये जो आइसक्रीम पाउडर और दूध है उसमें कूलिंग इफेक्ट आएगा तो कूलिंग इफेक्ट से क्या होगा ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद पीछे साइड से वो फ्रिज के पीछे साइड से वो गर्म हवा निकल जाएगा तो गर्म हवा पीछे साइड से निकलेगा हेंस T1 टेम्परेचर इज हाई जो फ्रिज के पीछे टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है एसी के पीछे का टेम्परेचर कॉम्प्रेसर के पीछे जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है और हीट सिंक यहां पे टेम्परेचर जो अंदर है फ्रिज के अंदर वो हीट सिंक है वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा T2
दिस इज ड्यू टू द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर विच हैज कूलिंग इफेक्ट एंड द गैस यूज प्रीवियसली वॉज फ्री ऑन गैस सीएफसी कार्बन फ्लोरोकार्बन सुना रहेगा उससे ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है दैट यू नो बट नाउडेज वी यूज अनदर गैस विच इज नॉट हैविंग दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं रहेगा तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का झंझट नहीं रहेगा R32 गैस बोलते हैं उसको द न्यू एसिस दे हैव दैट गैस बट फॉर नाउ लेट अस सी द इक्वेशन फॉर इट हियर व्हाट इज द इक्वेशन Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W द सेम इक्वेशन Q1 इज Q2 प्लस W हेंस W बिकम्स Q1 माइनस Q2 ये एक्सप्रेशन तो वैसा ही है वर्क डन का जैसे हीट इंजन में निकाला था वैसा ही रिवर्स हीट इंजन में होगा फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का बात करेंगे यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यों बात कर रहे हैं एफिशिएंसी क्यों नहीं बात कर रहे क्या फ्रिज में हम लोग को कुछ इंजन चलाने का काम करना है क्या नहीं फ्रिज का काम क्या है ठंडा करना फ्रिज का काम क्या है ठंडा करना एसी का काम क्या है एसी का काम है ठंडा करना मतलब उसको हीट निकालना है क्या करना है हीट निकालना है जितना ज्यादा दूध पाउडर दूध मिल्क एंड आइसक्रीम पाउडर से वो हीट निकालेगा उतना ही अच्छा फ्रिज हम लोग उसको बोलेंगे जितना ही हमारे रूम में से गर्मी ज्यादा निकालेगा वो एसी को हम लोग अच्छा एसी बोलेंगे दैट मींस वी आर कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट इट टेक्स तो इसीलिए हम लोग ने फॉर्मूला क्या बनाया यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इज डिफाइंड एज Q2 अपॉन W Q2 अपॉन W क्यों बोला देखो जो ज्यादा हीट खींचेगा वो फ्रिज ज्यादा अच्छा रहेगा वो जल्दी से ठंडा कर देगा तुम्हारे आइसक्रीम पाउडर आइसक्रीम मिल्क आइसक्रीम पाउडर और दूध उस मिक्सचर को जल्दी से वो ठंडा कर देगा या एसी है तो तुम्हारे रूम को जल्दी से वो ठंडा कर देगा तो वी वॉन्ट द हीट टू बी रिजेक्टेड क्विकली एंड फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क वर्क हम लोग को कम चाहिए पर यूनिट वर्क हाउ मच हीट डज इट टेक कितना हीट वो बाहर निकाल देता है फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क W दैट एसी और दैट रेफ्रिजरेटर विल हैव अ बेटर परफॉर्मेंस हेंस वी डिफाइन दिस फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इज Q2 अपॉन W अब W का फॉर्मूला तो हमें पता ही है Q1 माइनस Q2 ये तो मैंने प्रूव किया ऊपर W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 तो हेंस अल्फा इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिवर्स हीट इंजन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 नेक्स्ट कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कार्नोट्स इंजिन कार्नोट्स इंजिन एक आइडियल इंजिन है देखो ऐसा इंजिन होता नहीं है बट फिर भी एक आइडियल इंजिन हम लोग मान लेंगे कार्नोट इट वॉज द नेम ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रांस में एक साइंटिस्ट था उसका नाम है कार्नोट और उसने एक ऐसा थियोरेटिकल इंजिन बनाया क्या बनाया थियोरेटिकल इंजिन जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और उसका थियरम भी है देयर इज अ थियरम कॉल्ड एज कार्नोट्स थियरम विच स्टेट्स दैट नो इंजिन कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन कार्नोट इंजिन उसने ऐसा बोला कि मैंने जो इंजिन आइडियल इंजिन बनाया है इस डायग्राम में उससे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजिन और कोई बना ही नहीं सकता एंड दिस थ्योरम हैज बीन ट्रू टिल डेट इससे ज्यादा एफिशिएंट इंजिन नहीं बन सकता एंड नाउ वी एक्सेप्ट दैट वी कैन नॉट हैव अ एफिशिएंसी ऑफ इंजिन ग्रेटर देन दिस कार्नोट इंजिन तो ऐसा क्यों बोला उसने कि मेरा इंजिन ही सबसे अच्छा है तो फॉर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कर्व प्रीवी कर्व पीवी डायग्राम मैंने बनाया अब देखो हम लोग ने थोड़ी देर पहले वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला था और वर्क डन को हम लोग ने एफिशिएंसी से रिलेट किया था एफिशिएंसी इज वर्क डन पर यूनिट हीट सप्लाई ये तो सबको पता ही है अब एफिशिएंसी हमें बढ़ाना है कार्नोट से भी ज्यादा बढ़ाना है अगर ऐसा सोच रहे हैं हम लोग 100% एफिशिएंसी बनाना चाह रहे हैं तो 100% एफिशिएंट कौन होगा जिसमें Q1 और W एग्जैक्टली सेम होगा तो दैट विल बी द आइडियलिस्ट बेस्ट इंजन 100% एफिशिएंसी बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग ने देखा अभी थोड़ी देर पहले साइलेंसर में अगर तुम कचरा डाल दो और हीट रिजेक्ट ना करो तो एज सच ऑल्सो द इंजिन कैन नॉट वर्क इटसेल्फ तो एफिशिएंसी का तो बात ही नहीं है इंजिन ही बंद हो जाएगा बट नाउ एफिशिएंसी इज W अपॉन Q1 तो हम लोग वर्क को आइडियली मैक्सिमम करना चाहते हैं वी वॉन्ट द वर्क टू बी मैक्सिमम अब मैक्सिमम वर्क कब मिलता है ये भी हम लोग ने पढ़ा है मैक्सिमम वर्क वी ऑब्टेन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है तो लेट मी ड्रॉ द पीवी डायग्राम फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस इफ यू रिमेंबर वॉज स्मॉल स्लोप छोटा स्लोप था तो मान लो मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स वी आर हैविंग प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सम वॉल्यूम सम पैरामीटर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 वहां से मैं एक अलग पैरामीटर B पे आता है P2 V2 T2
T2 नहीं बोलेंगे, T1 ही बोलेंगे, सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना. सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन ए टू बी. अब आइसोथर्मल एक्सपांशन के बाद मुझे एक इंजिन बनाना है. इंजिन बनाना है तो क्या होगा, इंजिन तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार चल गया और हम लोग फेंक दिया और वापस नया इंजिन लेके आए. इंजिन तो अपना काम कंटिन्यूअसली करना चाहिए, तो एक साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए. इंजिन एक तुमने लिया तो इंजिन सालों साल चलना चाहिए कि नहीं. तो एक्सपांशन हुआ है तो वापस कंप्रेशन भी होना चाहिए. एक्सपांशन कंप्रेशन, एक्सपांशन कंप्रेशन, ऐसा काम करना चाहिए वो. तो एक्सपांशन कंप्रेशन करना चाहिए वो. तो इसीलिए हम लोग इसको साइक्लिक प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं. व्हाट वी वांट दिस प्रोसेस टू बी साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो अब एक्सपांशन हुआ, अब डायरेक्टली तो कंप्रेस नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए व्हाट वी डू इज एडियाबैटिक एक्सपांशन. इसको नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेके जाते हैं, एडियाबैटिक एक्सपांशन फ्रॉम बी टू सी. देखो ये जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज अ स्लो प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस. एंड देन सी टू डी वी हैव व्हाट, कंप्रेशन. अब हम लोग कंप्रेशन चालू कर रहे हैं हम लोग. देखो यहां पे हम लोग को वर्क सबसे ज्यादा मिल गया ए से बी में, फिर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपना कंप्रेशन करना चाह रहे हैं. बट बीच में हम लोग ने बी टू सी में क्या दिया, एक क्विक एडियाबैटिक एक्सपांशन दिया, एंड देन वी कंप्रेस इट बैक फ्रॉम सी टू डी आइसोथर्मली एट ए टेम्परेचर T2, एंड देन वी डू एडियाबैटिक, अगेन एडियाबैटिक व्हाट, एडियाबैटिक कंप्रेशन. कंप्रेशन क्यों मैं बोल रहा है, क्योंकि देखो सी से डी वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. वॉल्यूम एक्सिस पे एज वी मूव टुवर्ड्स राइट वॉल्यूम इंक्रीजेस, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट वॉल्यूम डिक्रीजेस. सो फ्रॉम सी टू डी वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस सी टू डी इज अ आइसोथर्मल कंप्रेशन. एंड डी टू ए इज अगेन अ कंप्रेशन. ऐसा ऊपर जाके ही मत सोचो, ऊपर तो प्रेशर जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम तो देखो कम ही हो रहा है यहां से यहां. डी और ए में वॉल्यूम किसका कम है, ए का. डी से ए वॉल्यूम कम होगा. सो व्हाट आर द फोर स्टेप्स इन्वॉल्व, ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपांशन, सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी टू ए एडियाबैटिक कंप्रेशन. एंड नाउ दिस साइकिल इज कंप्लीट. तो साइकिल कंप्लीट है, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, जीरो. सो दिस इज द कार्नोट्स इंजिन. और इसमें हमें फायदा क्या हुआ, मैक्सिमम वर्क मिला हम लोग को. हम लोग को क्या मिला, मैक्सिमम वर्क, बिकॉज वी आर कंसिडर्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ऐसा हम लोग का ये कार्नोट्स थियरम है, दिस इंजिन विल हैव मैक्सिमम वर्क एंड हेंस दिस इंजिन विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी. इससे ज्यादा एफिशिएंसी का इंजिन हम लोग नहीं बना सकते, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ही सबसे ज्यादा क्या होगा हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ इंजिन होगा. नाउ आफ्टर दिस ये कार्नोट इंजिन बन गया हम लोग का. अब ये जो एरिया मिल रहा है हम लोग को, ये एरिया मान लो ये जो ग्राफ के अंदर एरिया है, ये कर्व के अंदर एरिया है, एबीसीडी कर्व के अंदर जो एरिया है वो क्या देता है. तो देखो क्या देगा, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये हर थर्मोडायनेमिक्स में हर एक जगह पे वैलिड हो रहा था, याद है मैंने बताया. नाउ इंटीग्रेशन इज समेशन विच इज द एरिया अंडर द कर्व. इंटीग्रेशन मीन्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, एरिया अंडर द ग्राफ. तो एरिया अंडर दिस एबीसीडी कर्व, देखो एरिया अंडर पीवी ग्राफ है कि नहीं, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ. तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिव मी व्हाट, द वर्क डन. तो वर्क डन इज एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व. प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे क्या दे देगा, वर्क डन. तो ये कंसेप्ट हम लोग को याद रखना है. और ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम लोग ए बी सी डी और वापिस कहां पे आ गए, ए पे. तो इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी ए है, तो दैट मींस इनिशियल से वापस फाइनल जाके हम लोग वापस इनिशियल पे आ गए, तो दैट इज अ साइकिल. साइकिल हुआ कि नहीं हुआ, साइकिल मतलब क्या, जो रिपीट करे. साइकिल मतलब क्या, जो रिपीट करे. जैसे घड़ी का कांटा जो साइक्लिक मोशन है, क्योंकि घड़ी का कांटा 12 से निकलता है तो वापस 12 पे ही आता है, तो जिस इनिशियल स्टेट से वो निकला है वही इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, तो दैट इज साइक्लिक. तो ये साइकिल हो गया हम लोग का. तो ये साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा यू जीरो है. क्यों डेल्टा यू जीरो है, बिकॉज यू का फॉर्मूला क्या था, एफ बाय टू एनआरटी, द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो व्हेन वी गो फ्रॉम टेम्परेचर T1 एट पॉइंट ए एंड कम बैक एट दैट सेम पॉइंट ए एट द सेम टेम्परेचर T1, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर. ए से निकला था जहां पे टेम्परेचर था T1, और घूम फिर के वापिस ए में आया जहां टेम्परेचर कितना है, T1 ही है. तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो हेंस डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो. तो ऐसा हम लोग का ये कार्नोट इंजिन का ग्राफ है. तो एफिशिएंसी विल बी सेम, कार्नोट इंजिन का एफिशिएंसी भी वही होगा जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने हीट इंजिन के लिए निकाला था. एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 बाय
Q1, which is 1 minus T2 by T1. The efficiency of engine depends on higher and lower temperature. ये T1 और T2 पे depend करता है efficiency of engine. देखो efficiency of engine का formula क्या है? 1 minus T2 by T1. है कि नहीं है? 1 minus T2 by T1. So efficiency of engine depends on the temperatures T2 and T1. तो देखो ऐसे जितना T2 का value कम होगा उतना ज्यादा efficient engine होगा. तो इसीलिए देखो फॉरेन कंट्री में जो गाड़ी है वो ज्यादा एफिशिएंट चलेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो सराउंडिंग टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है? कम रहता है. T2 इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो फॉरेन में क्या होता है? फॉरेन में टेम्परेचर, फॉरेन मतलब अभी देखो फॉरेन तो नहीं बोलना चाहिए, कोल्ड कंट्रीज बोलना चाहिए. फॉरेन तो वैसे पाकिस्तान भी हो गया, बट व्हाट वी आर टॉकिंग व्हेन वी से हियर इज कोल्ड कंट्रीज. कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कम रहता है. तो सराउंडिंग टेम्परेचर कम है मतलब T2 कम है, तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन ज्यादा रहेगा. तो इसीलिए देखो कोई भी गाड़ी है वो फॉरेन में ज्यादा साल तक काम करता है एज कंपेयर टू फॉरेन मतलब कोल्ड कंट्रीज में. कोल्ड कंट्रीज द कार लाइफ इज लॉन्गर एज कंपेयर टू हॉट कंट्रीज बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ग्रेटर. एंड इवन बॉडी को अगर इंजन मान दे तो फिर वहां पे भी डाइजेशन ऑफ फूड ज्यादा अच्छा होता है बिकॉज द सराउंडिंग टेम्परेचर इज हायर लोअर. हेंस व्हाट हैपेंस इज बॉडी का एफिशिएंसी भी कैसा रहता है? ज्यादा रहता है. So in that case, digestion process will also be better. So that is about the engine and reverse heat engine and the Carnot's theorem, which states that no engine can have efficiency greater than the Carnot engine. And the expressions which we have to remember is work done is area under the PV graph, delta U is zero for cyclic process. And what is the meaning of cyclic process? If we start from one point and come back to the same point after a series of steps always, then it is a cyclic process. And for cyclic process, change in internal energy is zero. Efficiency of engine is 1W upon Q1. And it is 1 minus T2 by T1. T2 being the lower temperature, the temperature of the sink. T1 being the higher temperature, the temperature of the